जहां सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी कोर ग्रुप की पहली मीटिंग, जहां सरकार और संगठन के बीच में बैठक में मंथन हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक इस बैठक का हिस्सा रहे, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही एक एमएलसी की सीट उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है इस बैठक में। तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। तो देखिए, लगातार गहन चर्चा हो रही है आने वाले मुद्दों को लेकर। खासतौर से बीजेपी के कोर ग्रुप की ये बैठक थी, जो कि अब संपन्न हो चुकी है। सीएम आवास पर ये बैठक चल रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी कोर ग्रुप की ये पहली मीटिंग थी, तो सरकार और संगठन के बीच कैसे समन्वय बैठाते हुए काम किया जाए, इसको लेकर खासा चर्चा हुई है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। तो इसी के साथ 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही एक एमएलसी की सीट उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो महत्वपूर्ण ये बैठक थी, जो कि अब संपन्न हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये खास बैठक, सीएम आवास पर ये बैठक निर्धारित थी कोर ग्रुप की, जिस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर चर्चा हुई है सभी के साथ। और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी अपने सुझाव रखे हैं और जो तमाम बड़े मुद्दे चर्चा का विषय रहे उन पर भी अपनी राय रखी है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी खासा चर्चा हुई है इस बैठक में। तो लगातार बीजेपी कोई भी चुनाव अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती है, और अब बारी क्योंकि उपचुनाव की है तो उस पर भी खासा देखिए गहन चर्चा हो रही है। और इसी के चलते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में खासा परिणाम सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो ज्यादा संतोषजनक तो नहीं है, और इसी के चलते अब उपचुनाव के जरिए बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। हालांकि इससे ज्यादा सीटों का मार्जिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बावजूद इसके कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रयास हो रहा है कि उपचुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया जाए। तो देखिए, उसी को लेकर कोर ग्रुप की ये बैठक थी, जिस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें से एक मुद्दा ये भी रहा कि उपचुनाव के दौरान किस तरीके से प्रदर्शन करना है, कार्य करना है, उसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। तमाम ये खास गणमान्य सदस्यों के साथ ये बैठक रही है कोर ग्रुप की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद आपको बता दें, यूपी के कोर ग्रुप की ये पहली मीटिंग थी, इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि लोकसभा संपन्न होने के बाद आगे की क्या रणनीति होने वाली है पार्टी की, और कोर ग्रुप उसको लेकर किस तरीके से मंथन करता है आगे उत्तर प्रदेश में, और क्या कुछ करना है बेहतर। साथ ही साथ क्योंकि विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है, उसको लेकर भी मंथन किया गया है। तो गहनता से चर्चा हुई है लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक। अपडेट लेते हैं, हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कोर ग्रुप की ये बैठक संपन्न हुई है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं चर्चा का विषय? जो जानकारी आई है उसमें जो एक एमएलसी से स्वामी प्रसाद मौर्या के इस्तीफे के बाद से रिक्त हुई है, उस पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए, इस पर आपसे बातचीत हुआ है। क्योंकि अगर वोटों के बात करें कि किसका पड़ना भारी है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का पड़ना भारी है। इसके अलावा जो 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, चूंकि 9 विधायक ऐसे थे जो इस समय सांसदी जीत करके केंद्र में चले गए हैं, तो उन 9 सीटों पे जो उपचुनाव होना है उसको लेकर एक मंथन हुआ। और जो हारी हुई सीटें थी, खास करके लोकसभा चुनाव के समय लगभग 222-220 के आसपास में ऐसी विधानसभा थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पे दिखाई दी थी, तो उन सीटों के समीकरणों को साधने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी का आगे का स्वरूप होगा, उसको लेकर इस बैठक में चर्चाएं हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों मिलकर आज जो बैठक किए हैं, आने वाले आगामी 2 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके भी प्लान के संदर्भ में बात की। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो इस दौरान खासा चर्चा हुई है उपचुनाव को लेकर। अब उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, इसको लेकर भी क्या मंथन हुआ है? बिल्कुल मंथन हुआ है उन्नत, और मंथन करने वाली बात भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो लाभार्थियों का एक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, उसमें अखिलेश यादव जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक पीडीए का अलग फार्मूला लाए,
जिसमें पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है, ये जो पीडीए का फार्मूला या संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ, जिसके वजह से जो लाभार्थियों का वोट बैंक था वो ट्रांसफर हो गया पीडीए के तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी उससे कैसे पार पाए, इसको लेकर भी आज की बैठक में भी चर्चा हुई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती है कि जो वो लाभार्थियों का वोट बैंक तैयार किए थे उसको वापस अपने पास कैसे लाएंगे, पीडीए जो बातें कहता है, जो दावे करता है, उसको कैसे समझाएंगे जनता को कि नहीं हम आपके लिए हितकारी हैं और इनके वादों में दम नहीं है। तो देखना होगा, इन्हीं सब बिंदुओं पे आज की चर्चा रही मुख्यमंत्री 5KD आवास पे, जिसमें भूपेंद्र चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में उपलब्ध रहे। बिल्कुल, लेकिन देखिए क्योंकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, ऐसे में इस उपचुनाव से कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से बीजेपी फोकस कर रही है, और ये जरूरत भी है क्योंकि अगर अब एक भी हार होती है बीजेपी की तो वो विपक्ष के लिए मुद्दा हो जाएगा, तो इसके लिए कितना ज्यादा फोकस और जोश आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल उन्नत, हम बात कर लें अगर अयोध्या सीट की, जहाँ पे अवधेश पाल वहाँ से अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, इसके अलावा हम अगर करहल की बात कर लें जहाँ से अखिलेश यादव अपना इस्तीफा दिए हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो नेता हैं या समाजवादी पार्टी के नेता हैं जहाँ से वो सांसद बनकर चले गए, तो चुनौतियाँ तो दोनों दलों के पास है कि सबको अपनी साख बचानी है, अपनी सीटें बचानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपेक्षा के अनुरूप लोकसभा में अपनी जीत हासिल सुनिश्चित नहीं कर पाई थी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के खेमे से भी एक दो सीटें किसी तरह अपना कब्जा जमाने में हम सफल रहें, ताकि एक मैसेज दे सकें कि पीडीए का जो फार्मूला था वो लोकसभा में तो जनता को बरगलाने के काम आ गया, लेकिन विधानसभा में अब भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास होगा। वहीं समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो अखिलेश यादव चूंकि कांग्रेस से गठबंधन किए, तो उनका भी प्रयास होगा कि हम किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सीटों में सेध लगाने में सफल रहें, ताकि हम ये बता सकें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी का पलड़ा भारी होगा। तो इन बिंदुओं पर भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा जो आज की बैठक की गई उस पर भी गहन मंत्रणा की गई है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि विपक्ष ही मुद्दा उठा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, बीजेपी आत्ममंथन नहीं कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि आत्ममंथन करने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनका आत्ममंथन नजर नहीं आ रहा है, वरना कुछ बदलाव दिखता। उन्नत, आत्ममंथन की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी अब तक इस घोड़े पर सवार रहती थी कि हम किसी भी प्रत्याशी को उतारेंगे, किसी भी कैंडिडेट को उतारेंगे, वहाँ पे जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो गौड़ हो जाएंगे और मोदी और योगी का जो चेहरा होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसी लहर नहीं चली कि मोदी और योगी के नाम पे ही के और किसी भी प्रत्याशी को जनता चुन ले। जनता पिछले 10 साल, पिछले 7 साल के जो भी समीकरण हैं, जो भी स्थानीय मुद्दे हैं या प्रदेश के जो हालात हैं, चाहे पेपर लीक की बात कर लें या अन्य जो मुद्दे हैं, जिस तरह पीडीए का एक फार्मूला आया और स्थानीय प्रत्याशियों से जो नाराजगी थी, सांसदों के प्रति जो नाराजगी थी, जनता ने उसको अपने वोट मत का प्रयोग करके दिखाया भी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन का विषय है। क्योंकि वो दौर खत्म हो गया कि आप किसी भी प्रत्याशी को खड़ा कर दें और मोदी योगी के चेहरे पर या मोदी के चेहरे पर वो जीतकर संसद भवन की सीढ़ियाँ तैर लेता था, अब वो दौर नहीं रहा। अब स्थानीय मुद्दे, स्थानीय प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसी पे चिंतन करने की जरूरत भी है। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी चिंतन कर भी रही है, इसका कितना असर देखने को मिलता है ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।